अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर व्यूवर्स के लिए आज का व्लॉग मशहूर डेयरी फीस्ट के वफल और आइसक्रीम पर। तो जानिए इसका जायका वाकई में कैसा है, इसकी प्राइस और लोकेशन आगे वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डेयरी फीस्ट की ये शॉप कराची में बहादुराबाद के इलाके में चार मीनार चुरंगी के पास मौजूद है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल आइसक्रीम के अलावा रोल आइसक्रीम, मिल्कशेक्स और मटका कॉफी भी मौजूद है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा यहाँ के वाफल को, जिसकी मेन्यू में काफी ज्यादा वैरायटी मौजूद है। तो इसमें से मैंने चूज किया है ये किटकैट नोवेयर वाफल, जिसकी प्राइस 550 रुपीस है। तो चलें देखते हैं ये किस तरह से तैयार किया जाता है। वफल फ्रेशली बेक्ड हो चुका है। और इसके ऊपर होगी काफी सारी टॉपिंग चॉकलेट डिस्पेट की। और फिर इसके ऊपर ऐड किया है क्रश की हुई किटकैट। और फिर ऐड करेंगे एक आइसक्रीम का स्कूप, जिसका फ्लेवर आप अपने पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिया है कुल्फा फ्लेवर। और फिर इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे डार्क चॉकलेट की। और टॉप पर रख देंगे एक और किटकैट का पीस। तो हमारा डिश शेप किटकैट वाफल तैयार है। और इसकी काफी ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन की गई है कि दिखने में ही बहुत यमी लग रहा है। क्वांटिटी इतनी है कि दो लोग आसानी के साथ खा सकते हैं। वफल क्योंकि फ्रेशली बेक्ड है तो एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। मजेदार, काफी अच्छा है। हल्का सा गर्म वाफल काफी सॉफ्ट है और चॉकलेट के साथ मिलकर मुंह में काफी अच्छा जायका दे रहा है। जो चॉकलेट स्प्रेड यूज करा है वो जायके में मजेदार है, लेकिन आइसक्रीम में वो बात नहीं है। ज्यादा क्रीमी नहीं है और टेस्ट भी इतना मजेदार नहीं है, इसी वजह से 550 रुपीस में थोड़ा महंगा लगता है। तो डेयरी फीस्ट को अपनी आइसक्रीम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी वाफल तो मजेदार है। तो मेरी तरफ से इसको 10 में से 7 नंबर। और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें, उसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।